नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। कहते हैं कि इलाहाबाद का जो सिलेक्शन बोर्ड है वो अपने आप में एक रिजेक्शन बोर्ड है। तो मैंने कहा कैप्टन सर, क्योंकि इलाहाबाद के ही हैं और हम लोग इलाहाबाद से ही ऑन एयर हैं, तो सर से अच्छा कौन होगा जो इस सवाल का जवाब देगा कि क्या सही मायने में इलाहाबाद का SSB बोर्ड एक रिजेक्शन सेंटर है। लोग कहते हैं सर, एस्पिरेंट्स कहते हैं कि अरे भाई इलाहाबाद नहीं चुनना, कोई ले लो इलाहाबाद नहीं। ये भी एक मिथ है, भ्रम है एक लोगों का जी, जो बाहर फैला दिया गया। क्योंकि देखिए क्या होता है, सिलेक्शन बोर्ड को अगर आप देखेंगे तो इलाहाबाद इंडिया के सबसे पुराने सिलेक्शन बोर्ड्स में से है जी। इससे पहले जी ये इलाहाबाद सिलेक्शन बोर्ड जो है, सिलेक्शन सेंटर ईस्ट, ये 1957 में बना था जी। इससे पहले सिर्फ एक ही बोर्ड था, दैट वाज 12 सिलेक्शन बोर्ड, 12 SSB, जो 1 अप्रैल 1949 को बना था। अच्छा, ठीक है। उसके बाद ये बना, उसमें 12 SSB बैंगलोर बस अकेला। उसके बाद देखिए फिर भोपाल 1975 में बना, बैंगलोर जो 17 SSB है 1976 में, ठीक है। आपका कपूरथला दैट वाज इन 2015। तो सारे बोर्ड उसके बाद ही बने हैं। ये सबसे पुराना, मतलब कह सकते हैं कि सबसे एक्सपीरियंस सिलेक्शन सेंटर है ना। और ये सबसे बड़ा सिलेक्शन सेंटर है। यहाँ पर 5 बोर्ड्स हैं। बाकी जगह आप देखेंगे अगर आर्मी के लिए जी, तो भोपाल में 3 हैं, 20, 21, 22 जी। बेंगलोर में 2 हैं, 17 और 24 जी। भोपाल का 33 और बेंगलोर का 12 SSB जो है वो नेवी के लिए डिवोटेड है। और अगर आप वहाँ से देखते हैं कपूरथला 31, 32 है ना। तो ये जो बोर्ड्स अगर देखेंगे तो स्ट्रेंथ वाइज इलाहाबाद में 5 सिलेक्शन बोर्ड है, मतलब रिपोर्टिंग ज़्यादा होनी है। यहाँ 11 बोर्ड है, 14 बोर्ड है, 18 बोर्ड है, 19 बोर्ड है, 34 बोर्ड है। एक बोर्ड में कितने बंदे रिपोर्ट करते हैं? ये डिपेंड करता है एंट्री के हिसाब से सर। जैसे डायरेक्ट एंट्रीज जब आती हैं तो रिपोर्टिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। NDA है, एवरेज 80 से 100 रिपोर्टिंग है, ठीक है। और आप ये मान के चलिए कि रोज कोई ना कोई रिपोर्टिंग है इलाहाबाद में, क्योंकि 5 सिलेक्शन बोर्ड है। एक जो फुटफॉल है ना, ये ज़्यादा दिखता है लोगों को। जो एक हफ्ते में 500 कैंडिडेट होंगे? हाँ जी, बिल्कुल आ जाते हैं सर, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाता है कि जब ये फुटफॉल ज्यादा देख रहे हैं आप, तो फिर रिजेक्शन लगता है, रिजेक्शन ज्यादा दिखता है इन लोगों को। अदरवाइज इलाहाबाद का सिलेक्शन रेट मुझे लगता है, सिलेक्शन रेट से बात नहीं करेंगे हालांकि, क्योंकि सिलेक्शन रेट में कभी कोई ऐसा डिफ्रेंशिएशन होता नहीं है। ये बच्चों का बहुत बड़ा भ्रम होता है कि कपूरथला का सिलेक्शन रेट अच्छा है, भोपाल का अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पोटेंशियल कैंडिडेट है वो कहीं से भी रिकमेंड हो जाएगा। वो सभी SSS एक ही जगह से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं भैया, DIPRs ने ही सबको सिखाया है। और हर असेसर वही 15 क्वालिटीज़ देख रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद में देख रहे हो, चाहे भोपाल में देख रहे हो, ठीक है। और रादर ऐसा भी होता है कि कई बार SSR पहले, जैसे हमारे मल्होत्रा साहब थे, पहले भोपाल में थे और भोपाल से फिर वो इलाहाबाद आए, है ना। तो क्या कहेंगे कि भोपाल में उन्होंने ज़्यादा सिलेक्शन कर दिया, इलाहाबाद में आकर के सिलेक्शन करना बंद कर दिया? ये तो नहीं हो सकता है ना कहीं से भी। वो ज़्यादा कैंडिडेट की वजह से ऐसा इनको लगता है कि ये रिजेक्शन बोर्ड है, बट इट इज़ अ मिथ। अच्छा सर, थैंक यू। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नहीं। हमारे एस्पिरेंट्स, हमारे SSB के बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं अगर इलाहाबाद बोर्ड है तो। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आप में पोटेंशियल है। देखिए, आपके सिलेक्शन का भी कारण आप ही हैं और आपके ना रिकमेंड होने का भी कारण आप खुद ही हैं, ठीक है। तो जगह में, असेसर में, ग्रुप में, कोचिंग में, इतनी सारी कमियां आप ढूंढते हैं, अपने अंदर कुछ नहीं देखते हैं, थोड़ा सा अपने अंदर भी देखना चाहिए इन्हें। अगर आप पोटेंशियल कैंडिडेट है तो आप कहीं भी रिकमेंड होंगे, बिल्कुल। तो भैया, अपने आप को पोटेंशियल बनाना है तो त्रिशूल डिफेंस अकेडमी आइए और फौज में अफसर बनने का सपना पूरा करिए। 650 से ज़्यादा एलुमनाई त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के अब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में सर्व कर रहे हैं एज कमीशन्ड ऑफिसर्स। नेक्स्ट नंबर है आपका, आइए एंड प्रिपेयर वेल फॉर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। 21 डेज का ऑफलाइन कोर्स हर मंडे एंड थर्सडे को चालू होता है। नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव,
इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस अकेडमी।